तो हमारे ढेर सारे भाइयों को ग्रोअप में प्रॉब्लम आती है कि हम लोग पैसा लगा तो रहते हैं पर विड्रॉल के टाइम हमारे काफ़ी सारे भाइयों ने प्रॉब्लम फेस करी है, वो है पैसा लेट आना, बैंक में लेट आना, या फिर देखिए जो विड्रॉल का ऑप्शन रहता है वहाँ पर हमारा पैसा जल्दी ऐड नहीं होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें इन डिटेल बताऊँगा ग्रो ऐप में विड्रॉल से रिलेटेड। मतलब देखिए जो आप लोग ग्रो ऐप के अंदर पैसा रहता है वो कब आपको मिलेगा, कितने दिन में आपका विड्रॉल होगा, यदि आपने म्यूचुअल फंड रिडीम किया है तो आपका पैसा कब आप विड्रॉ कर सकते हैं, कब आपके बैंक में आएगा, यदि आप लोगों ने शेयर्स बेचे हैं तो आपका पैसा कब यहाँ पर आप रिडीम कर सकते हैं, कब आपके बैंक में आएगा, एंड यदि आप लोगों ने गोल्ड बेचा है तो आप लोग कब अपना पैसा यहाँ पर रिडीम कर सकते हैं, कब आपके बैंक में आएगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। मैं आप लोगों यहाँ पर देखिए मेरा प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर देखिए जो मेरा पैसा है वो मेरी बैंक में आ जाता था। तो यहाँ पर चलिए हम सारा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए यदि हम लोग इस चीज़ को समझें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो हमारा पैसा आ रहा है अवेलेबल टू इन्वेस्ट आप लोग देख सकते हैं। ये अवेलेबल टू इन्वेस्ट में आप लोग देखेंगे हमारे पास 518 रुपये 18 पैसे है। एंड देखिए आप लोग जब यहाँ पर इसके ऊपर टैप करेंगे, यहाँ पर आप लोग विदड्रॉ के ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पर 0 रुपीज़ बताएंगे। तो भी यहाँ पर देखिए आप लोगों को सबसे पहले ये समझना है कि आप अपना कोई भी यदि आप लोगों ने म्यूचुअल फंड रिडीम किया है या फिर आप लोगों ने गोल्ड बेचा है या फिर आप लोगों ने यहाँ पर शेयर्स बेचा है, कुछ भी किया है, तो आप अपना पैसा विड्रॉल कब कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं। समझने के लिए दोस्तों देखिए मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे यदि आप लोगों ने अपना पैसा ऐड किया है या फिर आप लोग उसको UPI या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू ऐड किया तो आप लोग उसको निकालना चाहते हैं, तो उसको निकालने के लिए आप लोग यहाँ पर देखिए आपने पैसा ऐड किया उसके 24 घंटे के बाद आप लोग अपना पैसा निकाल सकते हैं। अब यदि देखिए आप लोगों ने यहाँ पर म्यूचुअल फंड को सेल किया है, म्यूचुअल फंड को सेल करने के बाद आप लोग इमीडिएटली पैसा निकाल सकते हैं। यदि आप लोगों ने जो म्यूचुअल फंड उसको सेल किया है एंड वो पैसा आप लोगों के पास देखिए यहाँ पर वॉलेट में आ चुका है आपके ग्रो ऐप के, तो आप लोग यहाँ से आसानी से उसको इमीडिएटली अपना पैसा बाहर कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। और देखिए आपने जो विड्रॉल रिक्वेस्ट प्लेस करी है, विड्रॉल रिक्वेस्ट को प्लेस होने में 24 आवर्स के बीच में आपका पैसा यहाँ पर आपके बैंक में आ जाता है। आप लोगों ने यहाँ पर शेयर्स के लिए विड्रॉल रिक्वेस्ट प्लेस करी हो, यहाँ पर आपने शेयर बेच के पैसा विड्रॉल किया हो, या आपने म्यूचुअल फंड बेच के पैसा विड्रॉल किया हो, या फिर यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पर देखिए गोल्ड बेच के पैसा विड्रॉल किया ऐसा। दोस्तों देखिए जो हमारा अवेलेबल टू इन्वेस्ट वाला टैब रहता है ना, जो हम लोग दोस्तों देखिए कुछ भी बेचेंगे तो जो हमारा पैसा है वो अवेलेबल टू इन्वेस्ट में इमीडिएटली आता है। यहाँ पर तो हमारा पैसा दोस्तों हम लोग को इमीडिएटली मिल जाता है, बट आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर हमको प्रॉब्लम कहाँ आती है। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि हम लोग जब यहाँ पर अपना जो पैसा उसको विड्रॉल लेने जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जब विड्रॉल लेने जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 0 रुपीज़ शो करता है। जब हम लोग यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ आपको यहाँ पर ये सारे चीज़ों का जो डाउट है वो क्लियर करना है आप लोगों को, तो आप यहाँ पर विड्रॉएबल के साइड में जो क्वेश्चन मार्क बना है इसके ऊपर आप लोग टैप करिए एंड यहाँ से आप लोग देख सकते हैं स्टॉक सेल आफ्टर 2 वर्किंग डेज आप लोग देखेंगे। मतलब आपने किसी भी शेयर को बेचा तो आप लोग 2 वर्किंग डेज के बाद अपना पैसा ले सकते हैं। आपने म्यूचुअल फंड को बेचा तो आप लोग देखिए अपना पैसा इमीडिएटली निकाल सकते हैं। आपने अपना पैसा ऐड किया है तो आप लोग उसको 1 दिन के बाद निकाल सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों देखिए इसका मतलब यह होता है कि आपने यदि ग्रो ऐप के अंदर कोई भी चीज़ को सेल किया है, चाहे वो आपका शेयर हो, म्यूचुअल फंड हो, वॉट एवर कोई भी एसेट को सेल किया है, इसका ओवरऑल मतलब यही है कि दोस्तों देखिए यहाँ पर जो ग्रो ऐप है वो आपका पैसा देखिए आप लोग यहाँ पर स्टॉक्स को सेल करने के बाद यहाँ पर देखिए पहले आप लोग 2 दिन में जो आपका पैसा है वो विथड्रॉ के अंदर आएगा एंड जब देखिए आप लोग किसी भी चीज़ की विड्रॉ रिक्वेस्ट प्लेस करेंगे तो वो अगले 24 घंटे के अंदर जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। देखिए मैं आप लोग यहाँ पर लाइव दिखा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर देखेंगे रिसीव्ड फ्रॉम स्टॉक्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हमको यहाँ पर स्टॉक्स है, यहाँ पर देखिए मैंने स्टॉक्स को बेचे थे एंड यहाँ पर आप लोग देखेंगे उस स्टॉक को देखेंगे स्टॉक को बेचने के बाद मुझे यहाँ पर 461 रुपीज़ मिले थे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए मुझे इसको रिडीम करना था, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे जो पैसा है मैंने इसको विड्रॉ करना था, तो ये आप लोग देखेंगे मुझे कब मिला था, 5 अप्रैल 2021 को। एंड आप लोग देखेंगे ये मेरे यहाँ पर जो विड्रॉ आ रहा है ना, यहाँ पर ये पैसा मेरे पास कब आया, ये पैसा मेरे पास आया था 7 अप्रैल को आप लोग देख सकते हैं 2 दिन के बाद। एंड उसके बाद दोस्तों देखिए मैंने सिंपली ये जो विड्रॉल रिक्वेस्ट है इसको मैंने यहाँ पर प्लेस करी एंड देखिए कुछ ही घंटों के अंदर जो मेरा पैसा है वो मुझे बैंक अकाउंट में मिल गया। तो आप लोग कुछ इस प्रकार से जो अपना पैसा है वो यहाँ पर रिडीम कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोग विड्रॉल कर सकते हैं। होप मुझे लगता है कि जो आप लोग का विड्रॉल से रिलेटेड डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा।